नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं जबलपुर की तपस्या स्थली जैन धर्म के महान तीर्थ स्थल पिसनहारी की मढ़िया में। पिसनहारी की मढ़िया जैन धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, जो कहीं न कहीं पिसनहारी की तपस्या का परिणाम है, उनकी तपस्या की पवित्र भूमि है। आज हम इस मंदिर के दर्शन आपको कराने वाले हैं। यहाँ की अद्भुत कला विन्यास, यहाँ पर बने मंदिरों, यहाँ पर उपस्थित देवी देवताओं, और जहाँ पर हम उपस्थित हैं ये प्रमुख द्वार है, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ जी से लेकर के 24वें तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी जी तक की प्रतिमाएं स्थापित हैं। आगे चल करके हम मंदिर के बारे में आपको बताते चलेंगे और साथ ही साथ मंदिर के अद्भुत दर्शन कराएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। जैसे हम पिसनहारी की मढ़िया के मुख्य द्वार पर प्रवेश करते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं कि जैन धर्म के 24 तीर्थंकर जो हैं वो प्रतिष्ठित हैं, और बड़े ही अलौकिक, बड़े ही पवित्रतम, बड़े ही आस्थावान रूप में यहाँ पर सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। यहाँ पर आकर के निश्चित तौर पर आपका जो हृदय है, जो आपका शरीर है, जो आत्मा है, वह पूरी तरीके से आध्यात्मिक तौर पर तृप्त होती हुई प्रतीत करेंगे आप। यहाँ पर जो भैया हैं, तो उनसे थोड़ा सा हम बातचीत करके इस मंदिर के बारे में, इस मंदिर के इतिहास के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुनील मरावी। ये पिसनहारी की मढ़िया के नाम से पवित्रतम स्थान है, जैन धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, और साथ ही साथ जबलपुर के उच्चतम शिखर पर स्थित एक शिखर है, तो इसकी क्या कहानी है या क्या इतिहास रहा है? इसका जो माजी ने था, एक माजी था जी। वो चक्की पीस पीस के जो मंदिर बनवाया है जी। मंदिर जो पीसती थी तो पैसा इकट्ठी करती थी मटके पे, और मटके को फिर चोर ने चोर करके ले गया चोरी। तो इसके बाद में चोर को सपना आता है जी। तो वो कहता है कि ये पैसा फलने वाले नहीं है, ये पैसा अपन को वापिस करना है जी। तो ये वापिस कर दिया तो ये मंदिर बन गया जी। ये पिसनहारी की मढ़िया है, ये पीस पीस के बनवाया गया है। फिर यहाँ पर जैन तीर्थंकर जी आए थे और उन्होंने कहा कि जो है तो जो पिसनहारी थी, तो उनकी जो तपस्या है उस साधना को एक नया स्वरूप दिया उन्होंने, और यहाँ पर वो स्थापित हुए और फिर ये मंदिर एक प्रमुख तीर्थ स्थल के तौर पे बना। कुछ ऐसी ही कहानी है? ऐसा ही कहानी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो चलिए दर्शन कराते हैं इस महानतम मंदिर के। उसके पूर्व यहाँ पर जो एक पटल है, उस पटल पर पिसनहारी जी के बारे में वर्णित है, उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं कि यहाँ पर लिखा गया है जो उनका आत्म कथ्य है कि मैं पिसनहारी मढ़िया हूँ, मेरा सृजन लगभग 650 वर्ष पूर्व एक चक्की पीसने वाली पूर्वा निवासी वृद्धा माँ की श्रद्धा और भावनाओं की कोख से हुआ है। जानते हैं आप, उस वृद्धा माँ ने हाथ की चक्की से आटा पीस पीस कर मेरे सृजन हेतु जमीन के अंदर एक मिट्टी के घड़े में प्रतिदिन राशि इकट्ठा की थी। वह राशि चोरों द्वारा चुरा ली गई, लेकिन पुण्य का भाव इतना अधिक था कि चोरों के सरदार ने वह राशि वापस की और इस मंदिर के निर्माण में भी उन्होंने श्रमदान किया, एक अद्भुत बात कही जा सकती है। फिर उसके पश्चात यहाँ पर प्रभु सुपार्श्वनाथ जी जिनबिंब पधारे और उन्होंने इस शिखर पर वृद्धा माँ की चक्की के दोनों पार्श्व स्वर्णमय घट पर मणिमय कलश के रूप में स्थापित किए, और फिर उसके बाद ये मंदिर यहाँ पर निर्मित हुआ। तो आइए कुछ लोगों से और बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो ये पिसनहारी की मढ़िया का जो मुख्य स्थल है, जहाँ पर ये चक्की का दृश्यांत है, जहाँ पर सारी चीज़ें घटित हुई, वो यहीं पर मंदिर है, और मंदिर क्रमांक 4 के लिए हम ऊपर की तरफ प्रवेश कर रहे हैं। चौबीस
ये मंदिर हैं यहाँ पर, जो जैन धर्म के समस्त 24 तीर्थंकर के मंदिर हैं। सबसे पहले प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ जी, तत्पश्चात अजितनाथ जी, संभवनाथ जी, अभिनंदन नाथ जी। इसके और आगे बढ़ने पर आप देखेंगे सुमतिनाथ जी, पद्म प्रभुनाथ जी, पार्श्वनाथ जी। सुपार्श्वनाथ जी के बारे में आपको बता दें कि उन्हीं का यहाँ पर प्रवेश हुआ था, और उन्हीं के प्रवेश के पश्चात जब वो यहाँ पर आए तो उन्होंने इस पिसनहारी की मढ़िया को एक मूर्त रूप दिया, एक पूर्ण रूप दिया, पवित्रतम आध्यात्मिक अद्भुत स्थान को निर्मित करने का, यहाँ उसे स्थापित करने का जो श्रेय है वो सुपार्श्वनाथ जी को ही जाता है। फिर चंद्र प्रभुनाथ जी, पुष्पदंतनाथ जी। अब आपको दूसरी तरफ ले चलते हैं, जब दूसरी तरफ ले चलते हैं तो महावीर जी का मंदिर है, लेकिन इस मंदिर के दर्शन के पूर्व हम आपको जो जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हैं उन समस्त तीर्थंकरों के विशिष्ट प्रतिमा बिंबों से आपको परिचित कराते हैं। शीतलनाथ जी कल्पवृक्ष, तत्पश्चात श्रेयांशनाथ जी, और उसके पश्चात वासुपूजनाथ जी यहाँ पर प्रतिष्ठित है। एक और मंदिर है और महावीर स्वामी बाहुबली भगवान की ये प्रतिष्ठित प्रतिमा यहाँ पर है। जैन धर्म के महानतम देव, आस्था के प्रमुख बिंब बाहुबली भगवान। यहाँ पर हमारे साथ कुछ भक्त हैं जो इस मंदिर पर आए हुए हैं, इनसे इस मंदिर के विषय में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम अभिषेक जैन जी। आप यहीं जबलपुर से ही? हाँ, मैं यहीं रहता रहा मढ़िया के बाहर पहले। तो जैसा कि इस पिसनहारी की मढ़िया का एक बृहद इतिहास रहा है, एक तपस्या साधना की स्थली है, तो इसके बारे में क्या कहानी है? यहाँ क्या है, एक आंटी की कहानी है बस जी, जिसने यहाँ पर्वत पर आके श्री जी की स्थापना की थी जी। एक छोटी सी वो चक्की, आटे की चक्की चलाती रही और वहाँ आके स्थापना करके गई थी। उसने इतने पैसे जोड़े थे कि वो एक प्रतिमा ला सके। उसने छोटा सा मंदिर बनवाया जो ऊपर स्थित है अभी भी जी। तो उस मंदिर में मंदिर, हाँ वो मुख मंदिर कहते उसको जी। उस मंदिर को उसने बनाया जी। और उस मंदिर बनाने के लिए सारे पैसे चोरी हो गए, चार पाँच चोर आए, सारे पैसे चोरी करके ले गए। जब वो चोर सारे पैसे घर ले गए ना अपने, तो क्या हुआ, उनको एहसास हुआ कि हम कहाँ, ऑटोमेटिक पैसे आंटी पास आ गए। तो उसने इस मढ़िया का उद्धार किया। फिर धीरे धीरे समाज जुड़ती गई, धीरे धीरे लोग बढ़ते, पवित्र स्थल था, धीरे धीरे पहाड़ पे वो लोग गए। फिर धीरे धीरे मढ़िया का विकास हो गया, यहाँ की चारी समाज इकट्ठी हुई, जयपुर समाज काफ़ी बड़ी है, यहाँ के सारे समाज लोग इकट्ठे हुए। हम लोग बचपन से ही यहाँ आ रहे हैं, मतलब सारे लोग सुबह 5 बजे यहाँ आ जाते हैं पूजा करने। कैसा प्रतीत होता है इस मंदिर में? बहुत अच्छा प्रतीत होता है, यहाँ बहुत शांति मिलती है जी, यहाँ बहुत शांति मिलती है, बहुत शांति वातावरण वाला क्षेत्र है। आप भी निरंतर यहाँ पर आती जाती रहती हैं? हाँ, मेरा निरंतर यहाँ आना जाना लगा रहता है। मैं यहाँ की तो नहीं हूँ, शादी के बाद यहाँ की हूँ, पर जब से शादी हुई है कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आऊँ। तो कैसा अनुभव रहा है आपका इस मंदिर, इस दिनालय को लेकर? यहाँ आके बहुत शांति प्राप्त होती है, ऐसा लगता है कि मन में जो चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, सब खत्म हो गई हैं, सारी शांति मिल गई। ऑटोमेटिक जो संतोषी अनुभव करनी चाहिए ना, वो यहाँ आके ऑटोमेटिक मिल जाती है। जो संतुष्टि है, जो एक तरीके से आध्यात्म का, आध्यात्मिक संतुष्टि यहाँ पर मिल जाती है। हाँ, बहुत मन लगता है यहाँ पर धर्म ध्यान करने में, सब में बहुत मन लगता है यहाँ पर। जो यहाँ की फेमस स्टोरी है मढ़िया की, उसको सुन के लगता है कि एक ऐसी दादी रही है जिसके पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, फिर भी उसने इतनी मेहनत करके आटा पीस पीस के चक्की चला के एक मंदिर बनवा दिया। एक संकल्प था, एक साधना थी, एक तपस्या थी, और अपने पास समृद्ध होते हुए भी एक प्रतिमा जी नहीं विराजमान करा पा रहे। तो ये सोच के लगता है कि उनकी कितने पवित्र भाव रहे होंगे, उनके कितना ज़्यादा उनका तीव्र पुण्य का उदय रहा होगा कि उन्हें इतनी मेहनत करके आज उनका नाम आज भी इस मढ़िया के नाम से चल रहा है। चल रहा है और बहुत ही अद्भुत दर्शन है। आपके भी अनुभव जानना चाहेंगे, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मैं शरद कुमार जी। आप यहाँ जबलपुर से ही? मैं जबलपुर से हूँ। तो और
इस मढ़िया पर अगर किसी को आना है, जबलपुर के बाहर से कोई व्यक्ति यहाँ पर आना चाहता है, तो अगर आप यहाँ का पता बता पाएं तो जानकारी दे थोड़ा सा, जबलपुर में किस स्थान पर स्थित है। जबलपुर में ये मेडिकल के नाम से, मतलब मेडिकल में स्थित है। मेडिकल कोई भी बोलेगा तो मढ़िया कोई भी इसे यहाँ पर उतार देगा जी। और मेरा क्या है रुचि, इसलिए क्योंकि दुनिया में दो ही जो हैं धर्म हैं सबसे पुराने जी। एक हिंदू धर्म और जैन धर्म, मतलब इनकी कोई जानकारी नहीं दे सकता है कि दोनों में से दोनों कितने पुराने हैं कितने प्राचीन जी। और ये जो दोनों धर्म हैं लगभग अहिंसा का पाठ देते हैं जी। जीव हत्या पर, मतलब जीव हत्या का विरोध करते हैं, अहिंसा का पाठ देते हैं और शांति की जो भावना है पूरे दुनिया में फैलाते हैं। मुख्य तौर पर हम कह सकते हैं दोनों धर्मों के जो मूल आधार हैं लगभग एक जैसे ही। और जैन धर्म की मुझे सबसे अच्छी खासियत ये है कि जो इनके मुनिगण हैं, मुनिराज हैं या धर्मगुरु हैं, वो किसी भी तरह का उनमें मतलब निस्वार्थ भावना से ना वो कपड़े धारण करते हैं, जो नियम है संयम है वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ। मैं जैन नहीं हूँ लेकिन जैन समाज के जो मंदिर हैं, जैन समाज के लोग हैं या इस तरह के जो कार्य मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं हमेशा ऐसी जगहों पर आता रहता हूँ। वैसे भी कहा जाता है कि अच्छाइयाँ कहीं से भी प्राप्त हों उसको ग्रहण करना चाहिए। और जैन समाज, क्योंकि जैन धर्म जो है बहुत प्राचीन है, लगभग 500 ईसा पूर्व मतलब इसकी जो है उत्पत्ति हुई है और इसमें 24 तीर्थकर हुए हैं इसके। तो मैं इस सब, मतलब मेरी व्यक्तिगत रुचि है और बहुत मुझे अच्छा लगता है। और सबसे इसका जो मेन, जो सबसे मेन है अहिंसा, शाकाहार, मैं इसका बहुत समर्थन करता हूँ और इसलिए मैं इनसे जुड़े हुए व्यक्ति उसके भी साथ रहता हूँ और घूमता हूँ और अच्छा लगता है जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने काफ़ी सारी जानकारी उपलब्ध करवाई। तो ये थे कुछ भक्तगण जिनसे हमने इस मंदिर की महिमा, इस मंदिर की पवित्रता, इस मंदिर से जुड़े हुए इतिहास के बारे में चर्चा की। हम उम्मीद करते हैं कि पिसनहारी की मढ़िया से संबंधित जो यह रिपोर्ट है, पिसनहारी की मढ़िया का जो आध्यात्मिक पवित्रतम साधना एक स्वरूप है, वह आपको पसंद आया होगा। यदि आप किसी अन्य जगह के बारे में भी, अन्य किसी धार्मिक आध्यात्मिक स्थल के बारे में भी जानना चाहते हैं या हमारी रिपोर्ट्स के माध्यम से जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स पे अपनी अभिरुचि के अनुसार कमेंट करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बने रहे द खबरदार न्यूज़ के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।